हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आरवी और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कितनी बार सेक्स करना चाहिए, क्या होता है सबसे आइडियल टाइम और आइडियल कितनी बार आपको आइडियली करना चाहिए जो आपके लिए सही होती है, तो पूरी वीडियो में अच्छे से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्रेग्नेंट होने के लिए ये ज़रूर नहीं कि आप कितना ज़्यादा करें, लेकिन हाँ, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रेगनेंसी दो तीन चीज़ों पे निर्भर करती है, आपकी बॉडी और उसी के साथ साथ ही अगर आपकी बॉडी फिटनेस वगैरह सब कुछ सही है, यानी कि आपकी बॉडी कम्प्लीटली रेडी है, और उसी के साथ में आपने सही टाइमिंग पे करना है, यानी प्रेगनेंसी जिस समय जो फर्टिलाइजेशन का पीरियड होता है, जिस समय गर्भधारण की क्षमता और सबसे ज़्यादा होती है, उस समय अगर आप सही टाइमिंग पे करो तो सही इजीली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो है ईजिली कंसीव होता है वो है मॉर्निंग के टाइम पे। मॉर्निंग से सेक्स काफ़ी बार प्रेफर किया जाता है क्योंकि इस समय मेल की जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, इरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि सुबह का टाइम जो मॉर्निंग सेक्स होता है वो कंसीव करने के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। अब बात करते हैं कि कितनी बार करना चाहिए, तो एक दिन में एक से दो बार, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कंसीव इतनी ही में ही हो जाती है। दूसरी बात है कि अगर आप डेली करते हो तो स्पर्म काउंट किसी का कम है, यानी कि स्पर्म कम बनती है, तो उस वजह से आपको गैप लेके करना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो सही टाइम पर और एक से दो बार, वन डे वन टू टू टाइम्स ही आपको करना चाहिए, यानी जो भी पार्टनर करना चाहते हैं तो वन से टू टाइम ही करना जो है सबसे आइडियल माना गया है। तो कैसे लगे वीडियो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।